हाय गाइस, व्हाट्स अप? माय नेम इज नीरज, ही इज गौरव. और हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीपीटी के बारे में. गौरव के सीपीटी में 181 मार्क्स आए थे एंड ही इज डूइंग हिज बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी एंड दैट इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. कई लोग शनिवार रविवार कॉलेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ना समझ ले, इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ. सो मैं बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करूंगा और गौरव उनके आंसर्स आप लोगों को देंगे. बिल्कुल चिल्ड आउट रहिए, सुनते रहिए. वीडियो में आगे बढ़ाऊँ इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स भी लेके आने वाले हैं जिससे आपके मैथ्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. साथ ही साथ अगर आप लोग आईपीसीसी में हैं तो एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग में वो ट्रिक्स आपको काम आ सकती हैं, राइट? तो देखते हैं गौरव से क्या बातचीत होती है. और हाँ, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जो आपके सीपीटी वाले फ्रेंड्स हैं जिनका क्लियर नहीं हो पाया, या आपके रिलेटिव्स हैं, आपके नोन हैं, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा. चलिए चलते हैं गौरव से बात करने. हाँ जी गौरव, सीपीटी में 181 कौन सी बुक रेफर करनी है, क्या करना है, सारी बातें. सबसे ज्यादा किसमें आए थे, कौन से सब्जेक्ट में? अकाउंट्स में. हाउ मच? 59 आउट ऑफ 60. ग्रेट. और उसके बाद? एंड 44 इन मैथ्स, 44 इन इकोनॉमिक्स एंड 34 इन लॉ. 34 लॉ में बहुत कम रह गए. लॉ में ही सबसे कम परसेंटेज है. लॉ में मतलब जनरली बच्चों के 39 तक पहुंच जाते हैं. ग्रेट. ओके, तो अकाउंट्स से हम शुरू करते हैं. गौरव, क्या मतलब क्या गाइडेंस क्या देना चाहोगे? कई बच्चों का इस बार इन्होंने एग्जाम दिया था, ऑब्जेक्टिव टाइप वो रह गया, तो क्या गाइडेंस है उनके लिए? अकाउंट्स में बेसिकली इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. वैसे अगर फिर भी है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से या फिर आपका अकाउंट्स वीक है, तो आप क्या कीजिए, लाइक मॉड्यूल स्टार्टिंग में बेसिक चैप्टर्स हैं उनको शुरू करिए, रीड करिए. बाद में जो उसके एंड में क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज पे, उस पर फोकस करिए. पूछिए दोस्तों से अपने, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत की बात है नहीं. और बस आगे ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर्स, स्कैनर्स, बस ये आगे काम आएगा अकाउंट्स में. बेसिकली जो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दिया उसे अच्छे से फॉलो करें. अच्छा, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या आप ये सजेस्ट करते हो कि वो कुछ 11th की बुक्स, 12th की बुक्स, जैसे आप लोगों तो कॉमर्स का आइडिया रहा होगा, मैंने तो साइंस से करी थी 11th क्लास, तो जैसे मुझे मतलब 12th में आने के बाद इतनी दिक्कत नहीं महसूस हुई, बट आप क्या रेफर करोगे कि वो 11th की कुछ बुक्स पढ़ लें, जैसे बेसिक चैप्टर समझ लें, टीएस ग्रेवाल सर की बुक. हाँ, जैसे 11th की बुक्स आती हैं टीएस ग्रेवाल, और भी बहुत सारी बेसिक बुक्स आती हैं 11th की अकाउंट्स के लिए, ये सब के लिए. तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आप सीपीटी की बुक शुरू कर सकते हैं उसके बाद. ओके ओके, मतलब वो बुक्स पढ़ लेनी चाहिए. सो अगर आप लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो ये बहुत अच्छा एक सजेशन है आपके लिए कि आप जो 11th क्लास की बुक्स हैं, आप उन्हें एटलीस्ट शुरू के 2-3 थ्योरी चैप्टर गो थ्रू करिए, आपको काफी कुछ उससे समझ आ जाएगा. ओके, तो गौरव अभी अपने कोचिंग के लिए बताया था, तो कोचिंग आपने ली थी या सेल्फ स्टडी करी थी, या क्या सीन रहा था कोचिंग का? कोचिंग मैंने शुरू तो की थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था कोचिंग का कि मतलब कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, कौन सा बेकार है. राइट. तो मैंने क्या करा, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा लक्ष्मी नगर में. देन 5-6 दिन देखे मैंने, मैंने कहा कोई प्रोडक्टिव काम तो हो नहीं रहा इधर. ओके, तो मैंने वहाँ पे जाना बंद कर दिया. ओके, तो उसके बाद मैंने घर पे फीस पे कर दी थी. फीस मैंने थोड़ा रिफंड भी वो नखरे कर रहे थे, मैंने छोड़ दी. अच्छा, तो फिर मैंने घर पे सेल्फ स्टडी शुरू कर दिया, ऐसे के मॉडल्स हैं उन सब से. ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग दैट कि भाई इन्होंने कहीं ज्वाइन किया था एंड ही पेड द फीस, और 5-6 दिन बाद मतलब प्रोडक्टिव नहीं लगा. प्रोडक्टिव नहीं लगा, टाइम वेस्ट हो रहा था. आपको लगा कि मैं ज्यादा अच्छा घर पे खुद कर सकता हूं. ग्रेट. तो गौरव ने वहाँ पे फीस देने के बाद वहाँ पे छोड़ दिया और सेल्फ स्टडी किया. ये बात जरा गौर करिएगा इस बात पे कि सेल्फ स्टडी से सीपीटी में 181 मार्क्स आए हैं. इट्स नॉट अ जोक, और आपके भी आ सकते हैं. मतलब चलो 181 नहीं यार, आप ठीक ठीक लगाओ, मतलब 120-135, ये तो एक एवरेज स्टूडेंट मुझे लगता है स्कोर कर सकता है अगर 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है तो, है ना? यस सर. ओके, एक चीज जो सबकी जान निकाल देती है वो है मैथ्स, मैथ्स एंड स्टैट्स आई शुड से. अब नए सिलेबस में तो मैथ्स और स्टैट्स और LRB आ गया है, लेकिन हम अभी मैथ्स और स्टैट्स की बात करते हैं दिसंबर वाले बच्चों के लिए जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि मैथ्स और स्टैट्स को कैसे हम लोग कैटर करें? मैथ्स और स्टैट्स में अगर आपका मैथ्स वीक है 11th-12th में, अगर आपने मैथ्स नहीं करी, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लीव द हार्ड पार्ट लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिकली कैलकुलस को आप छोड़ सकते हैं. ओके, वो 7-8 मार्क्स आता है, बाकी 42 मार्क्स पर फोकस कर सकते हैं, दैट इज द इजी पार्ट. राइट, सो आप उसको ग्रैब कर लेंगे, 42 में से 30-35 लाना आसान हो जाएगा. बहुत ऐसा कहा भी जाता है कि मैथ्स में अगर आपको कमांड है तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. सो आपका कहना ये है कि जो डिफिकल्ट पोर्शन लग रहा है उसे आप स्किप कर दीजिए, और जो आपकी
कमांड में आ सकता है उस पोर्शन को हम लोग स्टैट बहुत इजी पार्ट है 25 बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो थ्योरी पार्ट उसमें बहुत इजी है मैं एसी ऑन कर देता हूं गर्मी लग रही है गौरव को हां तो हम छोटा मतलब ऐसा कर सकते हैं कि एबीसी एनालिसिस कर लिया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाल लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन्होंने कर लिया कोई एक आधा चैप्टर छोड़ भी दिया तो चलेगा कैलकुलस एक उसमें बहुत टाइम लगता है तो अनलेस यू आर एमिंग फॉर अ रैंक आप छोड़ सकते हो राइट ऐसे मैं आपको बता दूं हमारे टाइम पे मेरे टाइम पे P1 P2 ऐसे फाइनल ऐसे चलती थी चीजें तो P1 में मैंने भी ऐसे ही किया था मैं मैथ्स पूरा करके गया था स्टैट्स में मैंने लगभग 20 नंबर के चैप्टर छोड़ दिए थे मुझे पता था इससे 20 नंबर का आता है मैंने फिर भी छोड़ दिए थे जानबूझ के कि मुझे लगा था मैं इनको करूंगा शायद और बेकार हो जाएगा ना आई स्कोर्ड 66 मार्क्स वो जो मेरे हिसाब से ठीक है शायद गौरव के हिसाब से ठीक ना हो मैं तो भाई मैथ्स में बहुत वीक रहा था बट मेरे मैथ्स में थे 50 में से 49 और स्टैट्स में थे अराउंड 25-26 के आसपास ऐसे कुछ नंबर थे तो कुल मिला के मेरे 66-65 ऐसे कुछ मार्क्स बन रहे थे उसके अंदर सो ये पॉलिसी बहुत सही है कि अपने वीक एरियाज को आप छोड़ दो मतलब ठीक है हम सेलेक्टिव करके जाएंगे उन्हें अच्छे से परफॉर्म जो इजी पार्ट है उस पे ग्रैब अच्छा राइट और हमें ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है सो नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए कहीं उल्टे सीधे क्वेश्चन करने के चक्कर में तो मैथ्स के लिए कोई आपने जैसे इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर किया या क्या चीज आपने रेफर की थी फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स मेरा पहले से स्ट्रांग था 11th में तो मैंने सीधा क्वेश्चन शुरू कर दिए इंस्टीट्यूट के मटेरियल से हल्का हल्का टॉपिक पकड़ा और उसके क्वेश्चन शुरू कर दिए बाद में व्हेन आई वाज ओवर विद द इंस्टीट्यूट मटेरियल आई स्टार्टेड स्कैनर व्हिच इज बेसिकली पास्ट ईयर क्वेश्चंस राइट And after that, I just went through mock test paper 2. There's 2 volumes of MTP, 1 and 2. Right. So, I just went with MTP 2 and yeah, it was quite helpful. Bas, ye kya? Bas, that's it. So, aapne apna institute ka study material padha aur question karna shuru kiya. Scanner kara. स्कैनर आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑल द वे पेड प्रमोशन नहीं है सुचित्रा प्रकाशन के स्कैनर्स हैं वो गौरव ने रेफर किए थे गौरव ने मुझे बताया और स्पेसिफिकली गौरव का कहना है कि वो स्कैनर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे राइट तो मैथ्स में आपने अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो आप बस उठिए क्वेश्चन करना शुरू कीजिए स्कैनर जरूर एक बार करके जाना है और MTP 1-2 का क्या बता रहे थे गौरव आप MTP 1 बेसिकली यूजलेस है उसमें 20 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं और MTP 2 में 10 है ओके और जो MTP 2 है उनका लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ऊपर है MTP 1 से और MTP 1 के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते बेसिकली इसमें बहुत जनरल चीजें लिख रखी हैं ओके तो यू कैन स्किप इट ओके MTP 2 बहुत अच्छा है या MTP 1 कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और MTP 2 कॉन्फिडेंस घटाने के लिए MTP 2 एग्जाम ओरिएंटेड है मतलब जो एग्जाम का लेवल है वो MTP 2 के क्वेश्चंस का है MTP 1 आप थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं कि चलो भाई मुझे कुछ चीजें आ गई हैं इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच MTP 1 फिर काम आ सकता है ओके ओके अगर एडवांस लेवल पे तो सीधा MTP 2 करिए ग्रेट इको में क्या आप रेफर करेंगे मैक्रो में मैंने सुना है बच्चों से रटने में बहुत दिक्कत होती है फिगर्स होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो चीज आपने कैसे मैनेज करी मैक्रो की मैक्रो में बेसिकली मेरे को भी डर लगता है रटता मेरे से भी इतना अच्छा नहीं लगता तो व्हाट आई बेसिकली डिड इज स्कैनर से एक समरी दी होती है उसके अंदर स्टार्टिंग में क्वेश्चन से पहले मैंने उनको रीड करा बाद में एक्सरसाइज में उनके क्वेश्चंस को करे प्लस आई फिर मैंने जब स्कैनर के क्वेश्चंस कंप्लीट करके मैंने आईसीए के मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस कर लिए दैट्स इट ओके ग्रेट स्कैनर अगेन पिक्चर में आ गया कि स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है तो गाइस मुझे तो एक बात समझ आ रही है कि भाई अगर सीपीटी में पास होना है तो स्कैनर तो अपने पास रखना ही रखना है ठीक है और बच जाता है लॉ में तो मुझे लगता नहीं कि बहुत टफ सिलेबस है बहुत इजी हो जाता है लॉ में मैं भी कॉन्ट्रैक्टेड करके गया था बाकी दो मैंने ओवरव्यू ले लिया था बस अच्छा सही लॉ गुड एक्टर पार्टनरशिप का बट मैं तो बोलूंगा कि लॉ में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं टारगेट रखिए एटलीस्ट 35-36 का टारगेट कॉन्ट्रैक्टेड आईपीसी में कमाएगा तो उसको इनडेप्थ पढ़ना चाहिए ओके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इनडेप्थ पढ़िए और इसमें एक बात मैं और ही बता दूं कि आईपीसी लेवल पे कोई भी टीचर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोबारा नहीं पढ़ाता दे अज्यूम कि आपको आता है वो अपना सीधा वो बोनस ग्रेचुटी और जो भी एक्शन से शुरू कर कंपनी लॉ से वहां से शुरू करते हैं बट दे डोंट टीच यू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट तो ये बहुत अच्छा एक खास बात आप लोगों के लिए क्योंकि आपको आईपीसीसी में काम आने वाला है अच्छा मेरे को लगता है शायद न्यू सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं तो आई हैव टू चेक कि न्यू सिलेबस में कंपनीज एक्ट भी आ गया है कंपनीज एक्ट आ गया है और शायद आई एम नॉट श्योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शायद हट गया है एक बार मैं चेक करके आपको बता दूंगा अभी न्यू सिलेबस इतने मेरे को अच्छे से रटा नहीं हुआ है तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा बट एनीवेज लॉ के लिए भी आप 35 का टारगेट रखिए और कोई खास बात गौरव आप बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि भाई स्टडी कैसे करनी है या क्या चीज़ उन्होंने कहाँ पे टाइम निकालना है कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है क्या चीज़ें नहीं करनी है मतलब जो भी चीज़ आप बताना चाहते हो बिकॉज यू हैव स्कोर्ड 181 मार्क्स इट्स अ बिग थिंग स्टूडेंट्स तड़प रहे होते हैं कहीं बच्चे के यार 100 पार हो जाए किसी तरीके से तो क्या स्ट्रैटेजी आप और कुछ शेयर करना चाहते हो या इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम देन यू कैन जस्ट गिव 4-5 आवर्स अ डे लाइक इफ यू हैव 2-3 मंथ्स दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट अ रैंक आल्सो राइट सो बस ये ध्यान रखना है लास्ट के 10-15 डेज सोली फॉर रिवीजन ओके ओके लास्ट के 10-15 दिन कम से कम आप रिवीजन के लिए रखिए एंड एमटीपीज एमटीपीज मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये बड़ा एक रोल प्ले होता है कि टाइम मैनेजमेंट करनी है वहां पे हमने
ओके ग्रेट। और अब सीपीटी में रैंक्स आने बंद हो गए, पहले सीपीटी में रैंक्स आते थे टॉप 10, लेकिन अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। ग्रेट, ठीक है गाइज, आई होप ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझ आई, थोड़ी बहुत जो हम टिप्स दे सकते थे। स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, MTBs बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी है, 10 से 15 दिन रिवीजन के लिए अपने बचा के रखिए, और साथ ही साथ अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो पहले उनको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, खासकर अकाउंट्स जिस सब्जेक्ट में जो आपका आपका एंड तक आपके साथ चलेगा, यानी आप CA फाइनल में भी हो तो भी आपको सर अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। IPCC में आपके पास 200 नंबर का अकाउंट्स है, फाइनल में भी आपके पास 200 नंबर का अकाउंट्स आ जाएगा। रीजन बीइंग, एक तो आपका मैंडेटरी होगा, एक आजकल ऑप्शनल में और आ गया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके, एक और आपका एग्जामिनर जोड़ दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बेसिक्स आप क्लियर करके चलिए। मैथ स्टैट से बिल्कुल मत डरिए, वो उस पर आप सेलेक्टिव काम कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी कमांड है जिन पे, उन टॉपिक्स को करिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं सर जिनको आप नहीं संभाल पा रहे तो ठीक है, यू कैन लीव देम, गलत मत करके आना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन।